दोस्तों मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लेनर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताजा खबरों के साथ। वोट डाल दिया आप? जी साहब डाल दिया। किन मुद्दों को लेके वोट डाले? क्या चाहते हैं? बस बिजली और पानी, सड़कें, शिक्षा, इसी चीज पे व्यवस्था के लिए। वार्ड की सफाई। वार्ड की सफाई। अब वोट डाला? जी डाला। किन मुद्दों को लेके डाला? दो को, हम तो मेरे सास थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जो वोट डाल दिया है, किन मुद्दों को वोट डाला? बस विकास पे, रामपुर की तरक्की पे। कुछ चेंज चाहते हैं रामपुर की जनता? कुछ चेंज चाहती है? चेंज चाहती है हर बार। अजवार भी चेंज चाहते हैं? माहौल कैसा है अंदर? माहौल तो साफ है, कोई परेशानी तो नहीं है? वोट डालने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी सब तरफ अच्छा। आपने वोट डाला? जी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। कोई परेशानी? परेशानी नहीं। मुद्दे आपके क्या रहे? यही है, विकास के। विकास के मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा? विकास में मतलब सफाई वफाई? सफाई अभी भी ले लीजिए। नगर पालिका पर आपने वोट डाला? ये किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? क्या मतलब चाहती हैं आप? क्या वोट डालने? मतलब थोड़ा चेंज होए, तरक्की आए शहर में, वगैरह जी अच्छी हो जाए, सड़कें वगैरह अच्छी हो जाए, सफाई वफाई की व्यवस्था अच्छी हो जाए, और जो कुत्तों वगैरह का वो सब कम हो जाए। कुत्तों का बहुत अच्छी बात कही है आपने, अभी तक किसी ने नहीं बोली यही बात। जी, मतलब कुत्तों से लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं, पीछे पड़ रहे हैं, जाने नहीं देते हैं, कुत्तों ने रख नहीं किया। मैं इस समय खड़ा हूँ रामपुर के रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाले बूथ पर। यहाँ पर मेरे साथ हैं फैसल खान लाला, जो आम आदमी पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता नेता हैं। यहाँ पर उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े लोगों को उन्होंने काम किए हैं। उनकी पार्टी से मामू शाह खां, उनकी मामू शाह खां की वाइफ सना खानम जो हैं इस बार चेयरमैन प्रत्याशी हैं, दोनों हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। फैसल खान साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि इस वक्त माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, झाड़ू चल रही है न सिर्फ रामपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। लोग अब बदलाव चाहते हैं, कैसा बदलाव? जैसा दिल्ली और पंजाब के लोगों ने किया था। और मूलभूत सुविधाओं पे आम आदमी पार्टी बात करती है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, बसें, सड़क, पानी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो नेता अपने मैनिफेस्टो में वादे तो करते हैं लेकिन जीतने के बाद उनको पूरा नहीं करते। मात्र आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों से ज़्यादा काम करके दिखाती है। तो लोग अब ये चाहते हैं कि हमें भी दिल्ली पंजाब जैसी सुविधाएं मिलें। उसके लिए निकाय का एक छोटा सा चुनाव है, तो हमने लोगों से बीच बीच में अपील की अपने प्रचार के दौरान कि छोटा चुनाव है, आपने बड़े दो चुनावों में और पार्टियों को मौका दिया है, इस छोटे चुनाव में सफाई का काम है ये, तो झाड़ू वालों को मौका दे दीजिए। तो लोग झाड़ू चला रहे हैं सरसरामपुर में, बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव छोटा है आपने कहा, लेकिन इस छोटे चुनाव की बड़ी अहमियत है जिसमें आपको मौका मिला है। पहली बार आपको मौका मिला है इसमें, अभी आपकी नई नई शादी भी हुई है और जो मामू शाह खां आपके जो आपके पति हैं वो बहुत सक्रिय यहाँ के नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उनका सोशल वर्क भी बहुत अच्छा रहा है। आप किन मुद्दों को लेकर आई हैं और क्या सोच है आप? जिस मुद्दों पर मामू साहब ने काम किया है अब तक रामपुर के लोगों के लिए, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे गंदगी की व्यवस्था हो, वही मुद्दे मेरे जहन में हैं, उसी के ऊपर लेकर काम करना है। जी जी। और झाड़ू चल रही है, सफाई का काम शुरू हो चुका है और बाकी सबके साथ मिलकर सफाई करना है, ईमानदारी से काम करना है। अचानक एक आम जिंदगी से सियासी जिंदगी में उतरना कैसा लग रहा है? ये सारे फैसले ऊपर वाला जो करवाता है तब होते हैं, जो वो करवा रहा है ऊपर वाला वो उस तरीके पे वैसे ही करती चली जा रही हूँ ईमानदारी से। बदलाव होगा? बदलाव हो रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव हो रहा है, इसलिए लोग चुन रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही को चुना है जो बदलाव करेगा हर हालत में, जो सिर्फ बोलता नहीं है, जो जिसने पहले किया है 30 सालों से, मामू शाह साहब ने 30 सालों से किया है, उन्होंने बोला नहीं है। आपकी पार्टी को एक ऐसा कैंडिडेट मिल गया जिसकी बहुत अच्छी यहाँ पे छवि थी, तो इस वक्त जो झाड़ू जैसे कहते हैं चल रही है यहाँ पे, इसमें पार्टी का आप अपना योगदान मान रहे हैं या मामू शाह खान का? देखिए, 1 और 11 होता है, पार्टी भी अच्छी है और प्रत्याशी भी अच्छा है, तो इसकी वजह है कि पूरे रामपुर में आंधी चल रही है। और मामू शाह खां की जॉइनिंग के बाद असर सिर्फ रामपुर में नहीं देखा गया, बल्कि जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स आसपास में मुरादाबाद है, बरेली है, इन सीटों पे भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। मामू शाह खां की नो डाउट छवि बहुत अच्छी है, वो समाज के लिए जुड़कर काम करते आए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आम आदमी पार्टी में आएँ। जब इस तरीके की क़यादत आम आदमी पार्टी में आएगी तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। आइए बाद में किसी घर पे। जी इंशाल्लाह। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।